ब्राह्मण, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का बड़ा स्वरूप उत्कृष्ट एवं अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची मेदे और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सद ब्रह्मा, इसी श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह, वह, ऐसा, जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उसी समय एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सब तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न क्रश है, न हस्प है, न दीर्घ है तथा न लघु, न गुरु। उनमें ना कभी वृद्धि नहीं होती, न हास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसके सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि अनंत, संकोच विकास शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियां द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न, सर्वज्ञानीमय, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अवाचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से ही स्वयं एक स्वयं भूता सृष्टि की रचना की, जो अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, द्विदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपनी मुखमंडल में सदा एक सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती हैं।
वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाग्नी होने पर वह माया संयोग बस अनेक हो जाती हैं। वे जो सदा शिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र हैं। उनका चित सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे सारे शरीर में अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एक समय ही शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्माण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम आनंदवन रखा है। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबके सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सब तत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। वह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से निस्सिमट कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय ही शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल लिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सब तत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी क्रांति वाले दो सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरा नाम निश्चय कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थित उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्रास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से आदर्श हो गए। भगवान विष्णु ने दुधीर्थ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी।
यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया और ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श पात्र से सब पापों को नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वह दीर्घकाल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा महात्मा नारायण देव ने यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, महत्व से तीन गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए।